ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच आत्मा विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साईराम आनंद, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। साईराम अशोक, मुझे भी तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या चल रहा है आनंद, कोई प्रश्न या शंका? बहुत से प्रश्न और निश्चित ही बहुत सी शंकाएं। अच्छा, तो अपनी शंकाओं और प्रश्नों को पूछना आरंभ करो। अशोक, तुम आत्मा के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन स्वामी प्रायः प्रेम की चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि प्रेम ही हर चीज की केंद्र बिंदु है, आत्मा नहीं। आनंद, क्या तुमने प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है वाली प्रचलित पंक्ति को भुला दिया है? उस आश्चर्यजनक भजन प्रेम ईश्वर है के बारे में तुम क्या कहोगे, जिसे सुनकर उतनी ही सुंदर भावनाएं संगीत के मधुर कोमल स्वरों में हमारे अंतरतम की गहराइयों से उठने लगती हैं। याद रखो आनंद कि आत्मा ईश्वर का ही दूसरा नाम है, इसलिए तुम यह भी कह सकते हो कि आत्मा पवित्र प्रेम है और यह पवित्र प्रेम ही आत्मा है। अशोक, मेरी समस्या ये है कि यह आत्मा कोई अनिश्चित और प्रवाहशील सी चीज है, जबकि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे हम सब समझ सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि जब स्वामी प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे उनका क्या तात्पर्य होता है? तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कभी कभी स्वामी इस प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे सचमुच उनका जो अभिप्राय होता है उसे प्रायः भक्त लोग सही और समूचे अर्थ में नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवान ने उनके भ्रम को दूर करने के लिए प्रेम को लेकर बहुत से प्रवचन दिए हैं। देखो, प्रेम को लेकर भला कोई भ्रम कैसे कर सकता है? मेरे माता पिता मुझे प्रेम करते हैं, मैं स्वयं अपने भाई बहनों को प्रेम करता हूँ, मैं स्वामी से प्रेम करता हूँ। अब क्या तुम ये कहोगे कि इतना सब होने के उपरांत भी मैं यह नहीं जानता कि प्रेम क्या चीज है? भाई आनंद, मैं भी स्वामी की शिक्षाओं को पढ़ने और उन पर गहराइयों से विचार करने के पहले तक ऐसा ही सोचा करता था। अशोक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा, तो मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका तुम्हें संकेत दे सकने के लिए मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। अरविंद नाम का एक लड़का अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। दुर्भाग्यवश एक दिन अपनी माँ को रोता पिलखता छोड़ अरविंद परलोक सिधार जाता है। अब कुछ दिनों के उपरांत अरविंद का पुनर्जन्म पड़ोस के किसी घर में होता है। अरविंद की माँ इस बच्चे को देखने के लिए जाती है। वो बच्चे को देखकर मुस्कुराती है, उसे पुचकारती है, लेकिन वास्तव में उन दोनों के बीच के इस प्रेम में कोई गहराई नहीं होती, यह केवल सतही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों से तुम्हारा मतलब क्या है? यह हाल का जन्मा बच्चा उसका नहीं है, उसका पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, बस इतना ही। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि यह अरविंद ही है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हारी दृष्टि में ऐसा हो सकता है, लेकिन वह स्त्री बेचारी यह नहीं जानती। तो क्या तुम कहोगे कि उस स्त्री का उस बच्चे के प्रति प्रेम अरविंद नाम के उस लड़के के शरीर मात्र से था? देखो, तुम एक अजीब और कानून संबंधी प्रश्न कर रहे हो, जबकि हम यहाँ प्रेम की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं।
फिर कानूनी विधियों के लिए स्थान ही कहाँ है? आनंद, मैं कानून, तकनीकी या सैद्धांतिक उलझने नहीं खड़ी कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें केवल यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आम तौर पर हम जिसे प्रेम कहते हैं उसका संबंध इस संसार के लोगों और वस्तुओं से है। मेरे भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो। तुम मुझसे इस संसार से परे किसी वस्तु से प्रेम करने की आशा तो नहीं कर सकते ना? कि कर सकते हो? नहीं, सचमुच नहीं। लेकिन मैं अवश्य चाहूंगा कि तुम इस संसार की वस्तुओं और लोगों के प्रति दूसरी नजर रखते हुए उनसे प्रेम करो। अशोक, तुमने तो मुझे बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया। अच्छा होगा कि तुम अपनी बात एक बार फिर शुरू से मुझे समझाओ। ठीक है आनंद, मैं उसे धीरे धीरे क्रम पूर्वक समझाता हूँ। सुनो, अब हम अरविंद और उसकी माँ के पास वापस चलते हैं। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, यह सांसारिक तौर पर एक स्वाभाविक सी चीज है। हाँ, और एकदम यही चीज मैं अब तक तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं वह जानता हूँ आनंद, लेकिन मुझे आगे कुछ कहने तो दो। अरविंद की माँ का प्रेम उसके पुत्र के शरीर या उसके देह तक ही सीमित था। यह एक तरह का लगाव था जो अरविंद के शरीर मात्र तक सीमित था। क्या तुम मुझे यह बताना चाह रहे हो कि अरविंद की माँ का उसके पुत्र के प्रति प्रेम केवल सतही था? आनंद, मैं यह नहीं कह रहा कि वह सतही था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह का प्रेम जिसका संबंध केवल शरीर से होता है सच्चा प्रेम नहीं, केवल अटैचमेंट या लगाव होता है। सुनो, हर परिवार प्रेम के बंधन से बंधा रहता है। क्या तुम कहोगे कि यह केवल एक तरह का अटैचमेंट या लगाव मात्र है? माफ करना आनंद, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही सत्य है। तुम जो कुछ कह रहे हो वो बहुत ही डरावना है अशोक। तुम तो एक माँ पुत्र, पति पत्नी और इसी तरह के अन्य प्रेम संबंधों के अस्तित्व को ही नकार रहे हो। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। आनंद, क्या यह सच नहीं है कि विवाह के उपरांत बहुत से पुत्र अपनी माँ को भूल जाते हैं? वह प्रेम जो उस पुत्र के मन में अपनी माँ के प्रति विवाह से पहले था उसका क्या हो जाता है? वह कहाँ चला जाता है? तलाक या डाइवोर्स की दिन प्रतिदिन बढ़ती दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि पति और पत्नी के मध्य का प्रेम भी प्रायः विलीन हो जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम कभी ठंडा नहीं पड़ सकता और न ही कभी घृणा का रूप ले सकता है। लोग यह नहीं समझते कि सच्चे प्रेम में अस्थायीपन या बदलाव नहीं आता। इसीलिए स्वामी को बार बार यह समझाना पड़ता है कि वास्तव में यह प्रेम है क्या चीज। क्या तुम यह कह रहे हो कि जिस प्रेम की बात स्वामी करते हैं वह सामान्यतः जिस प्रेम की हम दुहाई देते हैं उससे भिन्न या अलग है? सच में। लेकिन यह भिन्नता है कहाँ? स्वामी ने यह भी बताया है आनंद, किंतु दुर्भाग्यवश हम उसकी ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। यार, अब ये तो ना कहो कि इस अंतर का संबंध आत्मा आदि से है। आनंद, तुमने कैसे जान लिया कि मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूँ? हे भगवान, ऐसा लगता है कि आत्मा आदि की सहायता लिए बिना मैं अपनी माँ से प्रेम ही नहीं कर सकता। ऐसा ना कहो आनंद, ऐसा ना कहो। स्वामी पर विश्वास रखते हुए वे क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझने का प्रयास तो करो। ठीक है मेरे भाई, मुझे आगे ले चलो। धन्यवाद आनंद। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जिस प्रेम की स्वामी बात कर रहे हैं वह है निस्वार्थ प्रेम। क्या मतलब? निस्वार्थता का मतलब तो तुम जानते ही हो कि नहीं? जरूर जानता हूँ, इसका मतलब तो सब लोग जानते हैं। अच्छा, निस्वार्थता का मतलब स्वार्थ का विपरीत होता है। लेकिन जहाँ प्रेम की बात चल रही है वहाँ तुम इन स्वार्थ आदि जैसी चीजों को बीच में क्यों लाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, मैं टॉल्स्टॉय की एक कहानी का उदाहरण देता हूँ। तुम्हारा मतलब उस जाने माने रशियन राइटर से है क्या जिसने गांधी जी को प्रभावित किया था? हाँ आनंद, इस कहानी का संबंध दो नन्ही बालिकाओं से है और संक्षेप में यह इस प्रकार है। एक दिन इनमें से एक का जन्मदिन था, इसलिए उसकी माँ ने उसे बहुत ही सुंदर कपड़े पहनाए। अब इन कपड़ों को पहने हुए वह बालिका दूसरी बालिका के साथ खेलने के लिए गई जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। बरसात हो चुकी थी और वहां बहुत अधिक बरसात का पानी भी जमा था। अचानक बरसात के उस पानी के छींटे उस बालिका के सुंदर नए ड्रेस पर पड़ गए। अब यह बालिका नाराज हो गई। वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और बोली कि दूसरी बालिका ने उसका ड्रेस गंदा कर दिया है। यह सुनकर माँ बहुत नाराज हो गई। बाहर आकर उसने दूसरी बालिका के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। अब यह दूसरी बालिका बेचारी रोने लगी और उसने भी जाकर अपनी माँ से शिकायत की और जल्दी ही यह बात बढ़कर केवल उन दोनों महिलाओं
या परिवार की ही नहीं बल्कि सारे गांव के दो वर्गों के बीच झगड़े का कारण बन गई। अशोक, ऐसा प्रायः होता ही रहता है और मुझे तो इसमें कोई खास बात देखने को नहीं मिलती। इसमें ऐसी कौन सी चीज है? ठहरो आनंद, मैं वही बताने जा रहा हूं। संक्षेप में, जबकि सारा गांव झगड़े में पड़ा था, एक बूढ़ा आदमी वहां आया और पूछने लगा कि यह शोर शराबा क्यों हो रहा है। जब उसे सारी बात बता दी गई तो उसने कहा कि दोनों बालिकाओं में सुलह हो गई है और दोनों अब साथ साथ खेल भी रही हैं, जबकि माता पिता आपस में झगड़ा करने में लगे हुए थे। यह सुनकर बड़े लोग शर्मिंदा हो गए और अपना अपना सिर झुकाए हुए अपने अपने घर वापस लौट गए। मुझे खेद है कि मैं उस कहानी को उतने भावात्मक ढंग से नहीं बता पा रहा हूं आनंद, जितने भावात्मक ढंग से टॉल्स्टॉय ने इसे लिखा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन इसका हमारी हो रही इस चर्चा से क्या संबंध है? मैं वही बताने जा रहा हूं आनंद। देखो, जिस लड़की ने अपना ड्रेस गंदा कर लिया था, उसकी माँ के मन में अपनी पुत्री के प्रति प्रेम भावना उसके मन में दूसरी लड़की के प्रति प्रेम भावना से कहीं अधिक। यह केवल देह या शरीर के प्रति लगाव के कारण ही होता है जो स्वार्थ का परिणाम होता है। अशोक, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, तो ये बताओ कि स्वार्थ का सही अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है अपने देह या व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी चीज को प्राथमिकता देना। इस मामले में माँ, जिसने दूसरी बालिका को चपत लगाई थी, अपनी पुत्री को प्राथमिकता दे रही थी। लेकिन संसार में हर समय यही तो होता है। हो सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है आनंद। अच्छा, तो ठीक क्या है? क्या तुमने स्वामी को यह कहते नहीं सुना आनंद कि सब एक हैं और सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए? हाँ, ये तो मैंने जरूर सुना है। अब तुम ऐसा अपने आप को स्वार्थ भावना से पूरी तरह से मुक्त करके ही कर सकते हो आनंद। यार, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। मैं किसी अनजान के प्रति अपने ही परिवार के सगे संबंधियों और भाई बहनों से अधिक प्रेम नहीं व्यक्त कर सकता। लेकिन आनंद, क्या तुम यह नहीं समझते कि दूसरा आदमी, जिसे तुम नहीं जानते, भी मानव परिवार का ही एक सदस्य है? हम सब उस एक ईश्वर की ही संतान हैं, हैं या नहीं? अच्छा, जब तुम इसे इस तरह से कह रहे हो तो तुम्हारा कहना अर्थपूर्ण सा लगता है। मैं यहाँ स्वामी और एक छोटे बच्चे से संबंधित एक कहानी सुना सकता हूँ। सुनाओ। ये बहुत साल पहले हुआ, जब स्वामी विद्यार्थियों के साथ दोपहर के दर्शन के समय मंदिर के वरांडा में बहुत अधिक समय बिताया करते थे। मुझे वे महान दिन आज भी याद हैं आनंद। हाँ अशोक, स्वामी ने एक छोटे से बच्चे के पास जाकर पूछा, तुम्हारे कितने भाई हैं? उस बच्चे ने उत्तर दिया, स्वामी मेरा केवल एक भाई है। स्वामी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। यह बच्चा आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन झिझकते हुए बोला, स्वामी मेरा केवल एक भाई है। तब स्वामी ने कहा, सब तुम्हारे भाई हैं। कितनी महान चीज कही स्वामी ने। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हो जाती। इसके बाद स्वामी ने दूसरे लड़के के पास जाकर कोमल स्वरों में पूछा, तुम्हारे कितने मित्र हैं? मेरे ख्याल से इस लड़के ने कहा होगा कि स्वामी सभी हमारे मित्र हैं। ठीक, पहले जो कुछ हुआ उसी से सीख ग्रहण करते हुए उस लड़के ने उत्तर दिया होगा। और क्या तुम जानते हो कि इस लड़के से स्वामी ने क्या कहा? मैं इसका अनुमान लगा सकता हूं आनंद, लेकिन तुम ही आगे आकर श्रोताओं को यह बताओ कि स्वामी ने इस लड़के से क्या कहा। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सब तुम्हारे दोस्त नहीं, केवल ईश्वर तुम्हारा सच्चा और एकमात्र मित्र है। अरे वाह, यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतने गूढ़ सत्य को स्वामी इतने सरल तरीके से समझा देते हैं। एकदम सच। चलो ठीक है, अब स्वामी की इस वरांडा वाली बात को छोड़कर निस्वार्थ प्रेम और स्वार्थपूर्ण प्रेम, इस चीज को लेकर अपनी चर्चा में वापस आते हैं। आनंद, तुमने अभी अभी स्वामी से संबंधित जो कहानी सुनाई उसने मेरा काम सरल बना दिया है। अब स्वामी ने उस बच्चे से ईश्वर मात्र ही तुम्हारा मित्र है वाली जो बात कही, उसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं। वह तो सरल है अशोक, लोग चिरस्थायी दोस्ती की बात कर सकते हैं, लेकिन प्रायः बुरे दिनों में ये दोस्त कहलाने वाले किसी काम के नहीं आते। ऐसा क्यों होता है आनंद? लोगों को अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। ए यह कह सकता है कि बी उसका मित्र है और बी बड़ी परेशानी में है। ए के पास पैसा है और इसलिए वह बी की सहायता कर सकता है, लेकिन वह ऐसा न करने का निर्णय लेता है। कारण, वह पैसों का उपयोग अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि के लिए करना चाहता है। ईश्वर ऐसा नहीं है, वह हमेशा हमारी सहायता करता है।
सच है आनंद, यह सच है। और क्या तुम जानते हो ईश्वर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ईश्वर स्वार्थ से सर्वथा मुक्त होता है। आनंद, तुम देखो, यदि एक आदमी निस्वार्थ है तो फिर उसके लिए पक्षपात जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। सब उसके लिए उतने ही प्रिय और समीप होंगे। एक स्वार्थ रहित व्यक्ति अपने मन में कुछ और रखता हुआ बाहर कुछ और नहीं रखेगा। उसके लिए मेरा तेरा को लेकर कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। मैं तुम्हारी इस परिभाषा को समझता हूँ, लेकिन जीवन की वास्तविकताओं को देखते हुए व्यावहारिक तौर पर हमेशा स्वार्थ रहित रह सकना संभव नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ आनंद, लेकिन फिर यह तो ऐसा कहने के बराबर है कि मैं दिव्य प्रेम की जगह पर सांसारिक प्रेम को ही स्वीकार करना पसंद करूंगा। अगर हम दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि भगवान की कृपा हम पर सदैव बनी रहेगी। लेकिन स्वार्थपूर्ण प्रेम रखते हुए हम ईश्वर से अपनी कृपा हम पर बरसाने की प्रार्थना नहीं कर सकते। अशोक, तुम जानते हो मुझे यहाँ दो भक्तों से संबंधित एक कहानी याद आ रही है। और वो कहानी क्या है आनंद? बाह्य तौर पर बहुत साल पहले स्वामी एक भक्त विशेष को बहुत अधिक अटेंशन दे रहे थे। जैसा कि तुम जानते हो, ढेर सारे इंटरव्यू, बहुत सारी गिफ्ट्स और ऐसे ही बहुत सारी दूसरी चीजें। लेकिन एक और भी भक्त था जो बहुत से क्षेत्रों में इस पहले भक्त से कहीं अधिक योग्य था। मतलब कि वह स्वामी के लिए बहुत से काम किया करता था, लेकिन फिर भी स्वामी उसकी ओर एकदम ध्यान ही नहीं दिया करते थे। आनंद, हाँ, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में कुछ भी कह सकना संभव नहीं होता है। कुछ भी हो, इस संदर्भ में दोनों के साथ व्यवहार में यह बाह्य अंतर लोगों के मध्य चर्चा का विषय सा बन गया था। और एक दिन एक भक्त ने स्वामी से इसका कारण पूछने का साहस किया। उसने कुछ उतावलेपन का प्रदर्शन करते हुए पूछा, स्वामी, फला फला पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि है जो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन एक और भक्त भी है जो उससे कहीं अधिक कुछ करता है और आप उसकी ओर एकदम उदासीन है। और स्वामी ने इसके प्रतिउत्तर में क्या कहा आनंद? स्वामी बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने उसके उस प्रश्न को न तो नकारा और न ही उसकी यह कहकर उपेक्षा की कि इससे तुम्हें क्या लेना देना। इसके स्थान पर मुस्कुराते हुए स्वामी ने उत्तर दिया कि यह भक्त जो मुझसे बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है मुझसे हमेशा यही कहता रहता है कि स्वामी, मैंने आपके लिए यह किया, मैंने आपके लिए वह किया, आदि आदि। इसलिए मैं उसे तुरंत उसके कर्मों की पारितोषक प्रदान करता जा रहा हूँ, उसके कर्मों का तुरंत भुगतान करता जा रहा हूँ। जबकि यह दूसरा भक्त अपेक्षाकृत और भी बहुत कुछ चीजें करने के उपरांत भी उनके बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं कहता। मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं चुप्पी साधे रहता हूँ। यह आदमी संचय करता जा रहा है और वह पहले की तरह अपने कर्मों का तुरंत भुगतान नहीं लेता जा रहा है, और इस तरह से वह मेरी परम कृपा के योग्य बनता जा रहा है। क्या तुम एक बात जानते हो आनंद? यह सुंदर कथा जो तुमने अभी अभी मुझे बताई मेरे द्वारा उठाए प्रश्नों का बहुत ही सुंदर समाधान प्रस्तुत करती है। आदमी जो निरंतर अपना गुणगान, स्वामी मैंने यह किया, स्वामी मैंने वह किया, आदि आदि कहते हुए करता गया, वास्तव में देह चेतना का शिकार था। अशोक, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं समझा नहीं। अब तुम तो जानते ही हो कि हम कभी भी कर्ता नहीं होते। हम तो भगवान की इस दिव्य ऐहिक लीला में उनके हाथों में रखा हुआ एक यंत्र मात्र है आनंद। पहुंचे हुए लोग इस सत्य को जानते हैं, जबकि वे जो पहुंचने के रास्ते में ही हैं इसी सोच में खोए रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। क्या तुम कृपया इसे और स्पष्ट करके बता सकते हो अशोक? जरूर आनंद। मान लो कि एक आदमी किसी चीज में, उदाहरण के लिए किसी वैज्ञानिक अन्वेषण में विशेष योग्यता हासिल करता है। वह सोचता है कि यह सब उसने किया और समाज से इसका पारितोषिक न मिलने पर वह मन का संतुलन खो बैठता है। लेकिन दूसरी ओर एक पहुंचा हुआ आदमी इस अन्वेषण को अपनी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता। वह तो इसे अपने पर की गई ईश्वर की कृपा वृष्टि ही समझता है। लेकिन क्या यह वैज्ञानिक नहीं था जिसने यह अन्वेषण किया? हाँ, हम सबको ऐसा ही विश्वास करने की शिक्षा दी गई है आनंद, लेकिन हमारी बुद्धि कहां से आई? क्या भगवान ने गीता में घोषणा नहीं की है कि सारी योग्यताओं का स्रोत वही है? तब फिर अगर ईश्वर ने इस वैज्ञानिक पर अपनी अनुग्रह वर्षा न की होती आनंद, तो क्या वह उचित विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त कर सकता था? क्या वह डॉक्टर की उपाधि पा सकने के लिए सही निर्देशक के निर्देशन में
काम कर सकने का सुअवसर प्राप्त कर सकता था और क्या लैब में नौकरी पा सकता था जहां उसके कार्य के लिए आवश्यक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सब का लेखा जोखा करते समय ईश्वर को हमेशा बाहर रखने की हमारी पक्की आदत सी बन गई है। हम शायद ही कभी यह सोचने या समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर कितनी असाधारण भूमिका निभाता है। अशोक, जब तुम इसे इन सब विधियों से समझाते हो तो ऐसा लगता है कि चीजें केवल उसी के इच्छा अनुसार होती हैं। बेशक आनंद, बेशक। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच आत्मा विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनी। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मंथरा ने रहस्य कर दिया था। महाराज दशरथ उसकी बातों से और संभ्रमित हो गए। वे उदास रानी के पास बैठे और बोले, केका, मुझे अंधकार में क्यों रखे हो? पर से रानी के सिर को कोमलता पूर्वक उठाकर अपनी गोद में रख लिया और आग्रह करके उसकी शोकपूर्ण दशा का कारण पूछा। कुछ समय बाद कैकेयी ने अपना कठोर मौन तोड़ बोली, महाराज, क्या आप देवासुर संग्राम में मुझे दिए गए दो वरदानों की बात भूल गए? दशरथ की छाती से भार सा हट गया। उन्होंने कहा, केका, ने बात के लिए तुमने इतना कोप क्यों किया? इतना कष्ट क्यों सहा? जब तक मेरे तन में प्राण है, मैं दिए गए दो वरदानों के वचन को कभी नहीं भूल सकता। यह वचन कैकेयी के समान प्रिय है। तुम मेरे जीवन की श्वास हो और वह वचन भी श्वास के समान है। रानी, क्या किसी ने तुम्हारी कोई हानि की है? अथवा तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? किसी दुष्ट ने तुम्हारी इच्छा के विपरीत कार्य करने का दुस्साहस किया है? बोलो, तुम्हारे लिए काल का मुकाबला करके तुम्हारे दोषी को दंड देकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं। शंका न करो, हे मोहिनी मूर्ति, तुम क्यों इस तरह कष्ट पा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सारा राज्य तुम्हारे चरणों में है? तुम कहीं से भी कुछ मंगवाना चाहती हो तो तुम्हें केवल मात्र की देर है। मैं तत्काल तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। मुझे बताओ तो सही, तुम्हें किस बात का भय है? किस कारण से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ? मुझसे कुछ भी छुपाओ मत करो। मैं तुम्हारे चारों ओर छाने वाले कुहासे को छिन्न भिन्न कर दूंगा। दशरथ ने रानी को सहलाया, कई प्रकार से उन्हें सांत्वना देने और उत्साह दिलाने की कोशिश। कैकेयी ने मंथरा के दिए मंत्र को ध्यान में रखा। उन्होंने निश्चय किया कि पहले वह पति के शपथ पूर्वक वचन लेकर ही अपनी कटु इच्छा उन पर प्रकट करेगी। वचन लेने के लिए उन्होंने झूठे और छलनामय प्रेम का प्रदर्शन किया और अपने आंखों से आंसू पोंछकर राजा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। महाराज सम्मोहन पाश में बंध कर उनके दास हो चुके थे। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे किसी पर क्रोध नहीं है
और ना ही किसी ने मेरी कोई हानि की है, किसी ने नहीं किया है। मुझे कहीं दूर देश से कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं है, परंतु मैं यह मानती हूं कि मैं बहुत लंबे समय से एक इच्छा को पालती रही हूं। शपथ पूर्वक वचन दें तो मैं बताऊं कि मुझे क्या चाहिए। मुख पर खेलती मुस्कान का जादू उन्होंने महाराज पर फेंका। दशरथ भी उत्तर में मुस्कुराए, कुछ सरकते हुए बोले, ओ मेरी पगली रानी, इस साधारण बात के लिए तुम्हें इतना क्रोध, इतनी चिंता और इतना दुख करने की क्या आवश्यकता थी। सुनो, स्त्रियों में मुझे सबसे अधिक प्रिय हो और पुरुषों में राम मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। तुम दोनों मेरे श्वास प्रश्वास हो, तुम इस बात को भली प्रकार जानती भी हो। मैं तुम्हें को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, अतः मैं राम की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ तुम कहोगी उसे निश्चय ही पूरा करूंगा। जब राजा ने उनके दोनों हाथ में लेकर यह शपथ ली तो कैकई का मन प्रसन्नता से भर उठा। वह उठकर बैठ गई। उन्होंने महाराज के प्रति और भी प्रेम प्रदर्शन किया क्योंकि को अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने कहा, महाराज, आपने राम की शपथ ली है, वे शपथ के साक्षी हैं, क्या यह सच है? और उन्होंने यह कह स्थिति और भी मजबूत कर ली, स्वामी आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप सत्यवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप राज शक्ति तथा शोभा से युक्त हैं, आपको देवा की तो याद होगी। मैं आपको एक बार फिर उस युद्ध का स्मरण कराती हूं, उस दिन जब दैत्य शंबर सबका संहार कर रहा था तब आपने चेतना रहने तक उसे हरा घमासान युद्ध किया। उस समय यदि मैंने सजग और सतर्क रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा न की होती तो आपको कुछ भी हो सकता था। आपने मेरे भक्तिपूर्वक की सराहना करके कहा था, कैका, तुमने मुझे मृत्यु के मुख से निकाला है, बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? कुछ भी हो, तुम मुझसे दो वरदान मांग लो, मैं उन्हें और तुम्हारे उपकार के ऋण से मुक्त होने का प्रयास करूंगा। आपने इच्छा की थी कि मैं तभी आपसे वरदान मांग लूं, परंतु मैंने सोचा कि आपका फिर से जीवन मेरे लिए सबसे मूल्यवान वरदान था और इसलिए मैंने उत्तर दिया, स्वामी मैं इस समय आपसे कोई वरदान नहीं मांगना चाहती, मैं कुछ समय बाद अपने वरदानों की आप तब तक उन्हें अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखिए। उस समय आप मेरी इस प्रार्थना से और मेरे इस व्यवहार से परम प्रसन्न हुए तथा आप त्याग की प्रशंसा की थी और घोषित किया था कि वे वरदान आपके पास आजीवन धरोहर के रूप में रहेंगे और मैं जब चाहूंगी उन्हें मांग सकूंगी। यह सब कारण ही होगा, आप पृथ्वीपति हैं, आप अपने वचन पर स्थिर रहते हैं, अतः आज मुझे वे दोनों वरदान दे दीजिए जो आपके पास धरोहर के रूप में रखे। मेरी प्रार्थना है कि मुझे वरदान देकर प्रसन्न कीजिए, मैं कोई नया वरदान आपसे नहीं चाहती, मैं तो केवल वही चाहती हूं जो सचमुच मेरा है। मुझे आप पाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आप जानते हैं कि धरोहर के रूप में रखी गई संपत्ति को ना देने वाला घोर पाप का अपराधी होता है। यदि आप यह कहें कि आप मुझे नहीं देंगे तो मुझे इस विश्वासघात से पीड़ा होगी, मैं इस निराशा को सहन नहीं कर सकती। पराजय में जीने से तो जीवन का त्याग कर देना कहीं अधिक सम्मानित कार्य है। जब पति अपनी पत्नी को दिए गए वचन का पालन ना कर सके तो वह अपने राज्य की जनता की इच्छाओं को कैसे पूरा करेगा? जो राजा अपनी पत्नी को धोखा देता है पहले अपना
फिर उस विश्वास के विरुद्ध काम करता है, वह अपनी प्रजा के रक्षक के रूप में रहने के योग्य नहीं होता। आप जानते हैं कि स्मृतिकार मनु ने व्यवस्था दी है कि ऐसे विश्वासियों को राजा नहीं मानना चाहिए। मैं इस बात को ज्यादा क्या कहूं और क्यों हजारों तर्क दूं? मुझे तो यही कहना है कि यदि आज मुझे वरदान नहीं दिए गए तो कल सुबह का सूरज नहीं देखेगी। यह घोषणा करते हुए वह तीव्र स्वर से रोने और विलाप करने लगी। दशरथ उसके अभिनय से लाचार हो गए थे, जैसे मासूम हरिण शिकारी की नकली आवाज के द्वारा उसे पकड़ने के लिए भी बिछाए गए जाल में फंसता जाता है। उसी प्रकार दशरथ भी विक्षिप्त असहाय भांति रानी के प्रेमालाप एवं सम्मोहक हावभाव के द्वारा जाल में फंस गए। मैं तुम्हें निश्चय ही दो वरदान दूंगा, रानी के दोनों हाथ अपने हाथ ने घोषित किया। कैकेयी ने जैसे ही ये शब्द सुने उसकी आंखें खिल गईं और चेहरा चमक उठा। उसने कुछ देर दशरथ के मुख की ओर ध्यान से देखा। महाराज, आज मुझे पता चला कि आप कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आज आपने अपने इस दावे को सिद्ध कर दिया कि आप कभी अपना वचन भंग नहीं करते। उसने और से दशरथ की प्रशंसा की। प्रेम पीड़ित महाराज प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया, कैका और देर क्यों करती हो, मांगो। कैकेयी झिझकी, फिर कल राम को युवराज पद देने के प्रबंध हो चुके हैं, उसकी जगह मेरे पुत्र भरत को युवराज पद दिया जाए, यह मेरा पहला वरदान है। और राम मृग छाल तथा वलकल वस्त्र धारण कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य वन में वनवासी बनकर रहें, यह मेरा दूसरा वरदान है। भरत जब युवराज बने तो उनका मार्ग निर्बाध हो, इसलिए राम मेरे सामने ही वन में चले जाएं। मुझे ये दोनों वरदान दे दीजिए और सत्य प्रति अपने सम्मान को बनाए रखिए, अन्यथा इसी क्षण कैकेयी को प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहती हुई वह खड़ी हो गई और जंगली आंखों से दृढ़ता प्रेल की तरह देखने लगी। महाराज पर तो निर्दय वज्रपात हो गया। क्या यह स्वप्न था? क्या यह सच हो सकता था? क्या इसी कैकेयी दान मांगे या यह रक्त का प्यासा प्रेत था? यह भयानक स्वप्न हो सकता है? किसी मानसिक रोग के कारण ऐसा भयानक आभास हो रहा था? महाराज को इन सब कोई उत्तर नहीं मिला, अतः वे चिल्लाए, कैका, क्या तुम ही यहां हो अथवा किसी राक्षसी ने तुम्हारा रूप धारण कर लिया है? मुझे बताओ तुम कौन हो? ऐसे व्यक्ति के समान अपने अंगों की शक्ति खो बैठा हो, वे अस्थिरता से डोलने लगे। उनके मुख से इच्छानुसार शब्द भी नहीं निकले। एक ओर से दूसरी ओर विक्षिप्त के समान वे इधर से उधर लुढ़क, उनकी आंखें पागलों की भांति चारों ओर देखने लगी। कैकेयी की ओर देखकर उनकी आंखों से स्फुलिंग निकलने लगे। भारी क्रोध भरे स्वर में वे चिल्लाए, नीच दुष्ट नारी, उद्देश्य क्या है? मेरे प्रिय पुत्र राम ने तुम्हें क्या दुख दिया है? जो राम अपनी सगी मां कौशल्या से भी अधिक स्नेह तुम्हें करते हैं, उन राम को ही घने अंधेरे जंगल में भी तुम्हारा हृदय कैसे माना? मैं अब तक तुम्हें राजनंदिनी समझ रहा, पर अब देखता हूं कि तुम तो विषैली नागिन हो। मैंने अज्ञान वशी तुमसे अपने घर को विषाक्त, ऐसा पापपूर्ण विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? मेरे जीवन के श्वास राम तो सभी प्राणधारियों के प्रिय हैं। यदि अनिवार्य हो तो मैं छोड़ दूंगा या जीवन ही त्याग दूंगा, परंतु मैं राम को नहीं त्यागूंगा।
नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र राजा बने, तो ऐसा ही हो। मैं स्वयं सुमित्रा आदि को साथ लेकर राम सहित वन गमन करूंगा, पर मैं कभी भी राम को अकेला वन में नहीं भेजूंगा, यह असंभव है। यह निशंस पाप पूर्ण इच्छा, राम के प्रति जो घृणा तुमने पाल ली है उसे त्याग दो। कैका, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वास्तव में यही चाहती हो कि ये घटनाएं घटें, या यह केवल जानने की कि मैं तुम्हारे पुत्र भरत को प्यार करता हूं अथवा नहीं? यदि ऐसा है तो तुम कह सकती हो कि भरत को युवराज पद दिया जाए, परंतु राम के लिए वनवास मांगने का कोई अर्थ, ऐसी इच्छा ना तो करनी चाहिए न ही विनोद में भी कहनी चाहिए। कैका, राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, वे सभी गुणों के भंडार हैं, उनके शासन के वर्ष सबसे अधिक महीने। तुमने मुझसे कई बार कहा है कि तुम उस दिन की आस लगाए हो जब ये स्वर्णिम स्वप्न पूरे होंगे, और अब तुम चाहती हो कि उन्हीं राम को वन में भेज दिया जाए। इस बात का क्या है? क्या तुम मुझसे विनोद कर रही हो? यह विनोद है तो फिर तुमने कोप भवन में प्रवेश क्यों किया? तुम इस कठोर भूमि पर क्यों लेटी हो? विनोद की भी सीमा हो, जिसके बाद वह बहुत निर्दय हो जाता है। मैं तो विनोद में भी यह विचार नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं राम से कभी अलग नहीं रह सकता। कैका, तुम इतने वर्षों तक बुद्धिमती का व्यवहार करती रही, परंतु अब तुम्हारी बुद्धि विकृत होकर दुर्बुद्धि बन गई है। ऐसी विकृतियां सदा विनाश की पूर्व सूचनाएं हुआ करती हैं। सज्जनों पर प्रहार अन्य पाप होता है। केवल राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति ही सज्जनों को कष्ट देते हैं। निश्चय ही इनसे कुछ भी भला नहीं होने वाला। हाँ, दुष्टों के इन कृत्यों से सज्जन और गरिमा में चार चांद लग जाते हैं। ये कृत्य कुछ समय के लिए ही सहने में कठोर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी दुष्योजनाओं से इक्ष्वाकु वंश के संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब तक तुमने किसी बुरे काम के लिए एक भी कटु शब्द या विचार नहीं प्रकट किया है। इसलिए मुझे विश्वास करना असंभव लगता है कि वह तुम ही हो ऐसे वरदान मांग रही हो। कैका, तुम तो सदा हर पग पर धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करने से डरती थी। तुम हर विचार, वचन और कार्य के द्वारा ईश्वर की कृपा सुख रहती थी। तुम्हारा पाप का वह भय आज कहां चला गया? तुम्हारी उस ईश्वर भक्ति को क्या हुआ जो तुम्हें सधर्म के मार्ग पर रखती थी? धर्म को 14 वर्ष के लिए वन में भेज देने से तुम्हें भला क्या लाभ होगा? राम का शरीर नए खिले फूल की पंखुड़ी सा कोमल है, उसे देखने में कितना आनंद आता है। वे सुंदर हैं। वन में उनके द्वारा असहनीय कष्ट पाने पर तुम्हें कैका क्या सुख मिलेगा? यहां सहस्त्रों दास दासियां हैं, क्या कोई भी उनकी ओर उंगली उठा है कि उनमें कोई दोष है? हमारे महल को छोड़ भी दें तो क्या सारी राजधानी में ऐसा एक भी व्यक्ति है जो राम पर कोई दोष लगा सके? राम ने कितने लोगों की कष्ट के समय अनादि के द्वारा सहायता की है। जिसे बेघर देखा उसके लिए घर की व्यवस्था की। अपने प्रेम और सेवा के द्वारा राम ने सबका प्यार पाया। ऐसे प्रेमास्पद पुत्र से देखकर मैं स्तब्ध हूं। तुम्हारी इस राक्षसी बर्बरता का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कितने ही शासक ऐसे होते हैं जो अपनी प्रजा का और अपने स्वार्थों के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसे राक्षस आज बड़ी संख्या में उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु तुम्हारी दृष्टि में शायद आयु बढ़ने के कारण या पिछले पापों के, जो लोग निर्धनों और पीड़ितों को अत्याचार से मुक्त कराते हैं तथा उनकी प्रगति करवाते हैं, जो लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाकर
उनकी सहायता करते हैं, दे हैं और देश निकाले का दंड दिए जाने के योग्य हैं। इस राज्य में सभी राम का सानंद गुणगान करते हैं और उनकी अच्छाइयां गिनाने में आनंद मानते हैं। खेतों में हरे और श्रमिक राम के गुणों का गान करते हैं, जिससे उनका काम हल्का हो जाता है। मैंने जब यह बात सुनी तो मेरा हृदय आनंद से भर गया। ऐसे दयालु को ऐसा दंड देने के लिए तुम्हारा हृदय किस प्रकार गवाही देता है? आज ही संध्या समय जब मैंने प्रतिष्ठित नागरिकों, मनीषियों, मंत्रियों, विद्वान तथा अन्य नीति के विशारदों के सामने राम के राज तिलक का प्रस्ताव रखा तो किसी ने भी असंतोष या विरोध में फुसफुसा कर भी कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने अगणित प्रकार से प्रशंसा की और घोषणा की कि यह पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है कि अब उन्हें राम जैसा युवराज और स्वामी प्राप्त होगा। ऐसा आध्यात्मिक आदर्श जिसने काम प्राप्त कर ली है, जो निस्वार्थ कार्य, बुद्धियुक्त तटस्थता, सत्यनिष्ठा का स्वरूप है, उन्होंने राम की बारंबार जय जयकार करके हर्ष ध्वनि की, जो मेरे प्रेम का पुण्य, मेरी जनता का प्रिय है, तुम उसे वन में भेजना चाहती हो? तुम कुछ भी कहो, यह निश्चय है कि मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। और यह भी सुनो, राम का राज होगा, इसे रद्द नहीं किया जा सकता, दशरथ ने गर्व और साहस से घोषित किया। इस पर कैकेयी ने भयावह मुद्रा बनाई और कटुता पूर्वक बोली, राजा याद, कुछ ही क्षणों पहले तुमने कई कई बार शपथ पूर्वक वचन दिया है कि तुम मुझे मेरी इच्छानुसार वरदान दोगे और अब आप अपने वचन से टल रहे हैं। अब इक्ष्वाकु कुल की महिमा मिट्टी में मिला रहा है, आप या मैं? इस पर गंभीरता से विचार करो। इक्ष्वाकु कुल की यह रीति है कि इस कुल में कोई भी वचन भंग नहीं करता। आप उस उज्जवल कीर्ति में धप, बिना सोचे विचारे आपने मेरी इच्छा के दो वरदान देने का वचन दे दिया। गलती यदि है तो आपकी है, मेरी नहीं है। आपने तब मुझे वरदान दिए थे, आपने वरदान पूरे करने का वचन दिया था। आपने दो बार मुझे अपना वचन दिया है। अपने शब्दों से इनकार करने से पूर्व अपनी प्रतिष्ठा देखिए, पद को देखिए, अपनी गरिमा देखिए। राजाओं के लिए निर्बल को सताना और अपना वचन भंग करना साधारण बात हो सकती है, परंतु इससे उनका आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा तो रहती नहीं। जो अपने वचन भंग करके ते हैं, वे जंगली हो सकते हैं, राजा नहीं। जब राजा लोग ऐसा जंगलीपन करेंगे तो उनकी प्रजा स्वतः ही विरोध और विद्रोह करेगी, तब राज राक्षस राज बन जाएगा। इन सभी वर्षों में आपने मान प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि अर्जित करने का अनथक प्रयत्न किया है और किसी अंश तक आपको अभीष्ट प्राप्त भी हो गया। अब अपने दिए करने का अपमान आपके ही सिर पर है, मेरे नहीं। प्राचीन राजाओं के जीवन चरित्रों का स्मरण करें, इस पर पूरा पूरा ध्यान रखें, जिससे अपने दिए हुए वचन के विपरीत आपको न चलना पड़े। भली भांति सोच विचार लें, आप उस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं जो अशोभनीय है। सावधान, आप धर्म के सिद्धांतों के विपरीत पग रख रहे हैं। आपकी जितनी ख्याति है, यदि उतने कुशाग्र होते तो मेरे अभीष्ट वरदान को देने से पूर्व आप उसकी प्रकृति को परख लेते। आपने आगा पीछा नहीं देखा, आपने तो मुग्ध होकर यह शपथ ली कि आप अपना वचन निभाएंगे। जब मैंने उस प्रतिज्ञा के पूर्ण करने का आग्रह किया तो आप मुझे दोषी ठहराते हैं। आपकी यह कितनी बड़ी भूल है, अपने को कितना विमूढ़ प्रदर्शित कर रहे हैं। सत्य तथा दिव्यता के प्रति अनुरक्ति के त्याग एवं निंदनीय क्रूरता अपनाने का दोष मुझ पर मर रहे हैं, परंतु क्या आपने अपना, आप तो धर्मपालक
तथा देव समान पूज्य एवं मान्य हैं। आप इन गुणों से संपन्न होने का दावा कैसे कर सकते हैं जबकि आप शपथ का पालन करने में आत्मनिरीक्षण करें एवं अपना न्याय स्वयं ही करें, पर छिद्रान्वेषण नहीं अपितु सदोष अनावरण तथा भूल व पाप के कुपत से बचाव रखना ही वास्तव में प्रशंसनीय। राजा तथा शासन अत्यंत प्रतिभावान होते हैं, यह मान्यता है कि वे सर्वज्ञानी हैं। यदि आपके सदस्य व्यक्ति आत्म परीक्षण ना करके अपनी स्वार्थपरता पर तो मुझे स्वार्थी व संकुचित हृदय कहकर मुझ पर दोषारोपण करने का क्या अधिकार। आपने वरदान दिए थे, यह वास्तविकता है। आपने शपथ ली थी, यह वास्तविकता है। पद भंग की वचन विमुख हुए, यह वास्तविकता है। अपने अंतर में झांक कर बताएं कि तीनों सच हैं या नहीं। आप पुत्र मोह के कारण भ्रमित हो गए हैं, के प्रति मोह के दास बन गए थे, इसी कारण आपने अपनी शपथ को रत्नाकर में विसर्जित कर दिया। मैं अपराधी नहीं हूं, वरन आप ही का दोष है। पुत्र से संबद्ध रहना मां का है। प्रत्येक स्त्री जो मां है वह हृदय में सर्वदा यह आशा संजोती है कि उसका पुत्र शीर्षस्थ पद ग्रहण करे अर्थात राज्य का सम्राट बने। यह प्रकृति जन्य है। उसका आता है कि उसके द्वारा राजपद की मांग का कोई विरोध ना करे, और यह भी स्वाभाविक है कि भावी आशंकाओं को वह अभी से निर्मूल कर दे। मैं तो केवल स्वाभाविक कर्तव्यों तथा उत्तर कर रही हूं। स्मरण रखिए, मेरे आचरण में तनिक भी कृत्रिमता अथवा दोष नहीं है। जब राम का राज्याभिषेक होगा तो माता कौशल्या राजमाता बनेंगी। मेरा पुत्र हाथ जोड़े राम के आदेश की प्रतीक्षा हेतु खड़ा होगा तथा आदेश के पालनार्थ तत्पर रहेगा। वह राम के चरणों में नतमस्तक हो उनके कहे कार्य को करने का विवरण, इसमें हो सकता है उसे प्रताड़ना भी मिले। मैं यह सब नहीं देख सकती। मैं तो इस अपमान से मृत्यु को श्रेयस्कर समझूंगी। क्या ही अच्छा हो विषपान से आज मेरी मृत्यु हो जाए, अपने पुत्र का घृणित जीवन ना देखना पड़े। राजन, मैं प्राणों से प्यारे अपने पुत्र भरत की सौगंध खाकर घोषणा कर रही हूं कि राम के वनवास के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प से भी संतोष नहीं होगा। इस प्रकार प्रलाप करती कैकेयी धरा पर गिर पड़ी और उसका गला रुदन से अवरुद्ध हो गया। राजा दशरथ दुखी हो अपना मस्तक पीटने लगे। उन्होंने कहा, क्या किसी ने तुम्हें मंत्रणा दी है? इस दुख में तुम लाभान्वित होगी अथवा क्या किसी प्रेतात्मा के वशीभूत हो? तुम यह सब कहने को बाध्य हो गई। राम को वनगमन और भरत, यह सब असंगति व विक्षिप्तता नहीं तो और क्या है? तुम अपने पति, अपने पुत्र भरत तथा अयोध्या राजनगरी का भला क्यों नहीं चाहती? इस हट को त्याग दो जिसका परिणामों को सोचो तो, अन्यथा तुम, मैं और तुम्हारा पुत्र सभी भयंकर अपमान के शिकार होंगे। यहीं इसका अंत नहीं होगा, समस्त राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कार्य के कष्ट व संकट आ घिरेंगे। नीच पतिता नारी, क्या तुम्हें विश्वास है कि भरत अपने राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएंगे? यदि मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकारता हूं तो भरत सच्चे धर्मावलंबी हैं, अत्यंत बुद्धिमान व धर्मनिष्ठ हैं। वह कदापि सहमत नहीं होंगे कि राम को वनवास दिया जाए तथा उन्हें राजगद्दी। त्री, क्या दरबारी, क्या कृषक, क्या हितैषी, क्या कृषि, क्या ग्रामीण, क्या नागरिक, क्या ऋषि, सभी तुम्हारी इस इच्छा का विरोध करेंगे। जब इतने लोग संतप्त होंगे, सुखी कैसे रह सकोगी? उस अवस्था पर विचार करो जो तुम्हारे ही कारण उत्पन्न होगी। सभी वृद्धों तथा ऋषियों ने इसका अनुमोदन किया है। आज सायं की राजसभा में सभी नागरिकों का मंतव्य एक था। जब मैंने यह घोषित किया
कि मैंने राम के राज तिलक के आयोजन का संकल्प कर लिया है। यदि मैंने उस घोषणा के विरुद्ध कार्य किया, से सामना होते ही रण क्षेत्र से भागने वाले भीरु व्यक्ति की संज्ञा मुझे दी जाएगी। राज तिलक के सभी प्रबंध पूर्ण हो चुके हैं। इस समारोह की सूचना सभी को भेजी जाए। जनता ने समारोह मनाने के लिए नगर में तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। अनगिनत व्यक्तियों के समूह सड़कों पर देखे जा सकते हैं। ऐसे अवसर पर यदि मैं राम को आज्ञा देता हूं तो क्या जनता यह कहकर मेरा उपहास नहीं करेगी कि वाह, इस व्यक्ति ने एक ही रात्रि में तीनों परिच्छेद पूर्ण कर दिए, राज्याभिषेक, राज्य शासन तथा वन। जब मैंने भरे दरबार में घोषणा कर दी है तो अब मैं कैसे उन्हें समझा पाऊंगा? लोग मुझे मूर्ख संबोधित करके मुझ पर कटु दोषारोपण करेंगे। मैंने इतने वर्ष के राज्य मावलंबी गुण संपन्न शूरवीर तथा साहसी राजा के रूप में प्रशंसा अर्जित की है, अब मैं यह कैसे सहन कर सकूंगा कि लोग मुझे अपमानित करें, मुझ पर थूकें और कहकर पुकारें। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भव सागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। अब भगवान गौवे चरा रहे हैं। आगे आगे गैया, पीछे पीछे गैया, और बीच में देखो हमारो कन्हैया। आगे भी गैया, पीछे भी गैया, और गैयों के बीच में साईं कृष्ण कन्हैया। और एक दिन भगवान ने गैया चरा कर आए तो अपने मित्र श्रीदामा से पूछा कि श्रीदामा एक बात बताओ ना, अपन इस यमुना में क्यों नहीं जा सकते? मैया बार बार मना क्यों करती है कि यमुना में मत जाओ, यमुना में मत जाओ, यमुना में मत जाओ? क्योंकि यमुना में कालिया नाग रहता है। कालिया नाग ने पूरी यमुना को अपने बस में कर रखा है। ये कालिया नाग गरुड़ जी का भाग खा जाता था। गरुड़ जी इसे मारने दौड़े तो ये यमुना के इस हद में आकर छुपा हुआ है। यमुना के इस हद में एक बार गरुड़ जी ने एक मछली को, मछलियों का जो स्वामी है मत्स्यराज, उसकी हत्या कर दी थी। तो सौरवी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया था। तो कालिया नाग तो यहीं पूरा अपना विश्राम के लिए बैठा हुआ है। और भगवान का अवतार, देखिए भगवान को नदियों से भी प्रेम है। नदियों को स्वच्छ करो, भूमि को सिंचित बनाओ। हमारे भगवान बाबा ने हजारों हजारों लाखों लाखों कहां कहां जहां जल की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां भगवान ने जल की व्यवस्था की। भगवान को पर्यावरण से भी प्रेम है, नदियों से प्रेम है, वृक्षों से प्रेम है। इसलिए हम साईं भक्त जो वृक्ष लगाते हैं भगवान के आदेश अनुसार, उसमें हम वृक्ष लगा के भूल नहीं जाते हैं कि वृक्ष लगाया, फोटो खिंचवाया और आ गए। नहीं, वृक्ष लगाकर हम उस वृक्ष की चिंता भी करते हैं कि वो वृक्ष बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, वो वृक्ष सुरक्षित है कि नहीं। बाद में जाकर भी उस वृक्ष को देखते हैं। यमुना पर कालिया नाग ने अपना अधिकार कर रखा है। अकारण संसार की सारी चीजें तो भगवान बाबा की हैं। हम लोग मालिक नहीं हो सकते, हम लोग तो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी और मालिक में अंतर होता है ना। मालिक का अर्थ है मैं जैसा चाहूं वैसा ही होता जाए,
ट्रस्टी कार थे, संपत्ति किसी और की है, हम तो उनके देखरेख करने वाले हैं। संपत्ति के स्वामी तो वे हैं, हम सब तो उनके नौकर हैं। जितनी उनकी आज्ञा है उतना ही मालिकाना हक हमें नहीं मिला है, दैवीय विरासत से। तो श्री रामा ने कहा चल आज यमुना की हद पर चले। कन्हैया ने कहा चल, पर श्री रामा ने कहा नहीं अब नहीं चलेंगे भैया, वामे तो कालियो नाग रहवे है, ब्रजभाषा में कहा उसमें तो कालिया नाग रहता है, और कहीं वो कालिया नाग हमें खा गया तो, और कन्हैया मुझे खा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुझे कालिया नाग खा गया। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर, भगवान कैसे हैं, शांताकारम भुजग शयनम। भगवान बाबा किस पर विश्राम करते हैं, भुजंग पर, जो विष पर भी, जो विषधर पर भी विश्राम करते हैं, और विषधर पर विश्राम के बाद भी जिनकी प्रशांति में कहीं कोई अंतर नहीं आता, वही श्री भगवान हैं। विष पर विश्राम करने पर भी उनकी प्रशांति में, उनकी गहनता में कहीं कोई अंतर नहीं आता। चिंता मत कर, चल हम दोनों चलते हैं। भगवान और श्री रामा दोनों यमुना के किनारे आए और दोनों गेंद खेल रहे हैं, और गेंद ही गेंद में भगवान ने वो गेंद यमुना के हद में फेंक दी। ओहो, श्री रामा ने कहा कन्हैया तूने मेरी गेंद फेंक दी। भगवान ने कहा गेंद तो चली गई, लेकर आऊं? बोले नहीं नहीं गेंद चली जाने दे, भगवान आप मत जाओ। अब मित्र है, मित्र तो जैसे संबोधन करेगा, साथी है उनका बचपन का। श्री रामा ने मना किया, नहीं कन्हैया अंदर मत जाओ, लेकिन भगवान तो संभवामी युगे युगे के लिए आए हैं ना, भगवान तो सबकी रक्षा के लिए आए हैं। यमुना की हद में गौए कैसे जल पिए, विष का प्रभाव इतना है कि आसमान से भी यदि कोई पक्षी यमुना के ऊपर से निकल जाता है तो वो भी कालिया नाग के विष के कारण मर जाता है। पूरे वातावरण को इस सर्प से मुक्ति दिलानी है। देखिए एके परार्थ घटका स्वार्थ्याय परित्यज्य, ये आपसे निवेदन किया था। सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम व्रता, स्वार्थ विरोधेन ये तेवी मानुष राक्षसा, ये निघ्नन्ति परहितम, पर ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम, तेके न जानी महे। एक लोग तो वो होते हैं जो अपना काम बिगाड़कर दूसरे का काम बनाते हैं, ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं, और दूसरे लोग वे होते हैं जो अपना कार्य भी बना लेते हैं और दूसरे का कार्य भी बना देते हैं, ऐसे लोग अच्छे लोग कहलाते हैं। वे लोग असुर मानसिकता के लोग हैं जो अपना काम बनाने के लिए दूसरे का कार्य बिगाड़ देते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जो अकारण ही दूसरे का कार्य बिगाड़ते हैं ऐसे लोगों को क्या संज्ञा दी जाए। ये कालिया नाग ऐसा ही है, अपने सुख के लिए इसने पूरे वातावरण को दूषित कर रखा है। तो लेकिन भगवान का अवतार, भगवान बाबा का प्रागट्य तो उस युग से लेकर इस युग तक, नदियों को स्वच्छ करना, गोवर्धन की महत्ता बढ़ाई, गोवर्धन की महत्ता यानी भगवान ने वृक्षों की महिमा बढ़ाई, पर्वत की महिमा बढ़ाई कि बचाओ इस प्रकृति को, वृक्ष लगाओ। और काली देह में भगवान कूद पड़े। जैसे ही भगवान काली देह में कूदे तो नागपत्नियों ने जब भगवान के सौंदर्य को देखा तो वे भी भगवान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ओहो, भगवान के घुंघराले बाल, सुमधुर अधर, नैनों से बरसता प्रेमामृत, ऐसी दिव्य सुगंधी, सम्मोहित हो गई नागपत्नियां। तो बाबा से आकर बोली कि भोले बालक नागराज अभी सो रहे हैं। क्या बोली? भोले बालक नागराज अभी सो रहे हैं। देखिए सर्पणी अपने ही बच्चों को खा जाती है। सर्पणी का यह गुण है कि वो अपने बच्चों को भी खा जाती है, लेकिन जो सर्पणी के भीतर भी मातृत्व पैदा कर दे वही तो साईं कृष्ण कन्हैया हैं।
उसके भीतर भी जो ममता पैदा कर दे, उसके भीतर भी जो हिंसा को मिटा दे। सर्पणी के भीतर की हिंसा को भगवान ने मिटा दिया। कितना बड़ा रूपांतर कि जो अपने बच्चों को खा जाती है वो भगवान को देखकर ये कह रही है कि नागराज अभी सो रहे हैं, भोले बालक चले जाओ। भगवान ने कहा मैं नागराज को ही जगाने आया हूं, कब तक सोते रहेंगे? वो सो रहे हैं और दूसरे मर रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है कि अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो सो रहे हैं और हजारों निरपराध जीव जंतु मर रहे हैं। गांव के लोगों को जल लेने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। गांव में जल की बड़ी समस्याएं होती हैं। माताएं बड़े बड़े घड़े लेकर दूर दूर तक जाती हैं। मैंने गांव को बड़ी गौर से देखा है, बहुत गौर से देखा है, गांव की विडंबनाओं को देखा है और गांव में भगवान का बरसता हुआ अमृत और आनंद भी देखा है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान भली एक गांव की, एक घर का गांव हो, आपकी बांसुरी बजे और हम अपना झोला उठाकर वहां सेवा के लिए चल दें, बस यही आशीर्वाद दें। हमेशा गांव जाते रहें, गांव से कभी संपर्क ना टूटे। गांव सबसे महान है। गांव की गोपियों को जल लेने दूर जाना पड़ता है, गऊओं को जल पीने के लिए दूर जाना पड़ता है और नागराज सो रहे हैं। ये तो व्यवस्था पर आतंक है, जगाओ नागराज को, मैं आया हूं उन्हें जगाने, उनसे बात करने। इस यमुना का स्वामी मैं हूं, यमुना तो मेरी पत्नी है ना, यमुना भगवान की धर्म पत्नी है, कालिंदिनी यमुना का ही तो नाम है। नागपत्नियों ने कहा देखो बालक तुम कैसी बातें कर रहे हो, नागराज जाग जाएंगे। कहा मैं उन्हें जगाने ही आया हूं, नागराज को नहीं, मैं समाज के हर उस व्यक्ति को जगाने आया हूं जो अपने लिए जी रहा है, जो स्वार्थ के लिए जी रहा है, जो अपने अहम के लिए जी रहा है, जो अपनी ऐशनाएं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जी रहा है। मैं हर उस व्यक्ति को जगाने आया हूं। अब नागपत्नियों ने भगवान को समझाया, पर भगवान ने जरा नागराज में एक जोर का प्रहार किया नागराज पर, तो सर्प जगा और सर्प ने जैसे ही श्री भगवान को देखा तो एक मिनट के लिए तो सर्प ने भगवान को घेर लिया और भगवान सर्प से बन गए। इधर यशोदा मैया ऊपर आ गई, नंद बाबा ऊपर आ गए, सब रो रहे हैं। यशोदा मैया कह रही मैं नदी में ही कूद जाऊं, सबने पकड़ा, मां तू नदी में मत कूद। बलदाऊ जी हंस रहे हैं क्योंकि वे स्वयं शेष हैं। अरे कौन, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, भय को भी भय देने वाले भगवान को कौन सर्प कहां स्पर्श करेगा? ये तो उनकी लीला विलास है, ये क्या है, ये सिर्फ उनकी लीला है। और जब सर्प ने भगवान को घेरा तो भगवान ने अपने आकार को बढ़ाया और कालियानाग और भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। कभी सर्प अपने फणों से भगवान पर प्रहार करता है, कभी भगवान बचते हैं तो कभी सर्प बचता है, दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और फिर भगवान एक लीला करते हैं, क्या, सर्प के फणों पर भगवान नृत्य करते हैं, सर्प के फणों पर भगवान नृत्य करते हैं। और भगवान बाबा का जब वह दिव्य नृत्य होता है तो सर्प के फणों से रक्त धारा बहने लगती है, लेकिन सर्प फिर भी मान नहीं रहा है, फिर भी युद्ध किए जा रहा है, फिर भी समर्पित नहीं हो रहा है, फिर भी भगवान के आगे प्रणाम नहीं कर रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, नारायण आप क्षमा करें, फिर भी माफी नहीं मांगता। तो भगवान ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, कालिया नाग के ऊपर जब भगवान नृत्य कर रहे हैं तो कालिया नाग का मर्दन कर रहे हैं। अहंकार का मर्दन भगवान कैसे करते हैं? जिस कालिया नाग के प्रसंग से हमें यह उपदेश प्राप्त होता है, ओ काली धे पर खेलन आयो री मेरो साई सो कन्हैया, काली धे पर खेलन आयो री मेरो बालो सो कन्हैया, काहे की याने गेंद बनाई, काहे क्यों याने गेंद बनाई, रेशम की याने गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो री
मेरो प्यारो सो कन्हैया। एक कारधे पर खेलन आयो री मेरो बालो सो कन्हैया। जब भगवान ने एक भयंकर नृत्य नागराज के फणों पर किया और सर्प के फणों से जब रक्त बहने लगा तो नागपत्निया त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ये तो क्षमा नहीं मांगेगा, हम इसकी पत्नियां हैं, हे नाथ क्षमा करें, हे नाथ क्षमा करें। और फिर कालिया नाग भगवान की दिव्य स्तुति कर रहा है। कालिया नाग कह रहा है, भगवान बाबा आपने मुझे स्वभाव से ही तो ऐसा बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे भीतर आपने विष डाला है, मैं तो सर्प हूँ, स्वभाव से क्रोधी हूँ, लेकिन मैं धन्य हो गया, आज आपका स्पर्श मुझे मिल गया, आज आपका सानिध्य मुझे मिल गया। तो भगवान ने एक बात कही कि सुनो नागराज, सदैव दूसरों के लिए जीना सीखो, परहित का चिंतन करो और अपने स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था को नष्ट मत करो। जाओ, जहां तुम रहते थे वहां वापस जाओ। नागराज ने कहा, प्रभु गरुड़ जी जो आपके वाहन है ना, वो मुझे मार डालेंगे। का नहीं, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं और मेरे चरणों को देखकर, मेरे इन श्री चरणों का दर्शन करने के बाद गरुड़ जी लौट जाएंगे। चरणों में कितना चमत्कार है। मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। गुरु महाराज गुरु जय जय, गुरु महाराज गुरु जय जय, सत्य साई नाथ सत गुरु जय जय। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258, 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।